अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप सब कैसे हैं? ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। फाइनली आज वो दिन आ चुका है और आज मुझे इतनी खुशी हो रही है ना, मैं नहीं मानता, क्योंकि शायद ये आप महसूस ना कर सके मेरी खुशी की, मुझे कितनी खुशी हो रही है, क्योंकि ये आम मुझे सब बंदे ही जान सकते हैं कि कितनी खुशी मिलती है, क्योंकि आज के ऐसा कुछ मेरे साथ हुआ ना कि मैं मतलब आज से कुछ 15 दिन पहले तो आप लोगों को पता होता कि मेरे 100K सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए। तो उसके बाद मैंने यूट्यूब की तरफ बटन के लिए अप्लाई मारा, तो अप्लाई तो मेरा माशाल्लाह सक्सेसफुल रहा। तो कुछ दिनों का उन लोगों ने टाइम दिया, तो मैं इंतज़ार करता रहा। फिर उनकी तरफ से आज से कुछ दिन पहले ई मेल आई कि आपको जो है ना 2 दिनों में आपकी डिलीवरी आपको मिल जाएगी, आपको प्ले बटन आ जाएगा। तो मेरे इंतज़ार वो दिन गुजर ही नहीं रहे थे, मतलब इतना मैं वो 2 दिन 2 सालों के बराबर। तो जैसे ही वो दिन आया, मुझे पता था कि प्ले बटन आएगा, मुझे कॉल आएगी, तो मैं पूरी रात जागता रहा, मतलब सुबह तक मैं जागता कॉल नहीं आई। बहुत ज्यादा परेशान था, चलो इसी में खैरियत होगी। अरे कहना क्या चाहते हो? तो फिर 2 दिन बाद मुझे एक ईमेल आई कि कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको मतलब बैट मैंने चेंज की थी, अभी जो है ना 2 दिन बाद आपको प्ले बटन आएगा। तो अभी जैसे मैं रहाना गुजारा, तो छोटे रहाना में गया, तो मैंने वहाँ से कॉन्फ्रेंस जा बड़े रहाना जाओगे और मतलब आप वहीं से कन्फर्म करो। तो मैं जैसे ही फ्लाइट पर बैठा तो वहाँ मुझे कॉल आई, और जैसे ही मैंने कॉल अटेंड की तो मुझे सलाम, मैंने जी वालेकुम सलाम, तो कहने लगा सर मुबारक। तो मैंने कहा खैर मुबारक हैरियत सर। तो कहते आपने व्हाट्सएप चेक किया? मैंने कहा जी सर मैं तो व्हाट्सएप चेक नहीं किया। तो कहते आप जल्दी से अपना व्हाट्सएप चेक करें। मैंने कहा सर चेक कर दूंगा, आप मुझे पहले बताएं कि बात क्या है। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल। तो सर ने मुझे कहा कि मुबारक हो आपका प्ले बटन मतलब आपके पास बहुत जल्द आने वाला है। तो फिर वो बंदा बोला सर आपका प्ले बटन मैं आपके पास ला रहा हूँ। मैंने कहा सर आप कहाँ हैं? तो मुझे कहते आप मुझे कंफर्म सही एड्रेस मुझे दे कि मैं वहाँ तक पहुँच जाऊँगा। फिर मैंने एड्रेस दी, तो अभी उन्होंने कहा कि मैं एयरपोर्ट से निकल रहा हूँ, 2 घंटे लगे हैं। तो अभी ये 2 घंटे 2 सालों के बराबर है, तो अभी इंतज़ार ही कर सकते और कुछ नहीं। और इंशाल्लाह आप लोग वीडियो स्किप ना करें और आप मेरे साथ ही देखेंगे जाएंगे कि मैं प्ले बटन कैसे लेता हूँ, कैसे मिलता है, और डाकिया में जो भी है वो आएगा मुझे प्ले बटन देगा। तो इंशाल्लाह मेरे साथ रहे और मैं आपको दिखाता रहूँगा जो होता है। तो फाइनली गाइस इंतज़ार की घड़ी खत्म हुई, मुझे डिलीवरी बॉय की कॉल आई और मुझे कहा कि हमारे यहाँ रिक्शा स्टॉप है, फिर आप उधर पहुँचे, मैं आ रहा हूँ, बस रास्ते में ही हूँ, अभी मेरे जाते जाते वो पहुँच जाएगा और मुझे मेरा पार्सल मिल जाएगा। नहीं तो चलिए देखते हैं क्या होता है। ये रहा, मैं अभी बाइक पर बैठने लगा हूँ, अभी उसी के पास जा रहे, बस अभी प्ले बटन ले लेंगे। तो अभी हम लोग खड़े इधर, वो सामने वो बंदा दिख रहा है, खैर हम लोग को तो नहीं दिख रहा, वो बंदा आगे खड़ा हुआ है। अभी छोटे भाई भी मेरे साथ आए, कह रहे हैं हमें भी देख पा प्ले बटन कैसे लाते हैं, कौन है बंदा, कैसे जाए सवाल आग कर रहे थे। तो मैंने इनको भी साथ में उठा लिया कि चलो आप लोग भी आओ, देखो कैसे मिलता है कैसे करते। तो अभी वो बंदा कर रहा है, कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं, प्ले बटन उठाते फिर आपको रिटर्न कराते। तो गाइस देख सकते हैं प्ले बटन आ चुका है, अब घर जाके इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। अभी मजा आएगा ना, वीडियो में साथ तक रहे, एंड तक रहे और देखते हैं कि क्या होता है। गाइस ये रहा हमारा प्ले बटन आ चुका है, अभी मैं आपको कह रहा था ना कि घर जाके अनबॉक्सिंग करेंगे, तो फाइनली मैं घर आ चुका हूँ और अभी देखते हैं अनबॉक्सिंग करते हैं। तो यार खुशी मैं जाहिर नहीं कर सकता कि कितनी खुशी मुझे हो रही है यार, ये सब आप लोग की सपोर्ट की वजह से मिला है। और माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे भाई बहन जितने भी बहुत प्यार करते हैं मुझे, अगर आप लोग प्यार नहीं करते तो आज मुझे ये प्ले बटन नहीं मिलता, आज मैं इस मकाम पर नहीं होता। तो अब ये अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं, ये कागज़ देख सकते हो, ये डॉक्यूमेंट सारे ये भी इसी के हैं, लेकिन अभी आप लोगों को शो नहीं करा सकते बहुत ज़्यादा है। तो अभी फ़िलहाल हम लोग अनबॉक्सिंग करते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम,
ये फॉर्म रखे है कि ये कुछ कार्ड है यूट्यूब की तरफ से, तो बनिए। ये रहा मेरा नाम। मैं जो है ना अपना नाम मैंने लिखा, मैं चैनल का नेम भी लिख सकता था, लेकिन मैंने अपना नाम इसलिए लिखा क्योंकि चैनल के नेम अगर आगे मैं चेंज करूं तो इस वजह से मैंने अपना नाम लिखा और अपने वालिद का नाम लिखा कि कल को कोई यह ना कहे कि आपका प्ले बटन नहीं, ये किसी और का है। तो ये नीचे देखते हैं कि इसके नीचे अभी क्या है। तो ये क्या है, सब चेक करते हैं। ये रखा क्या है इन लोगों ने, खुल जा। तो बस इससे लगता है क्लीन दिन वगैरह करते हैं। और ये भी जो मैं अप्लाई कर रहा था उस टाइम आया था, ये बस जो भी है। और देखते हैं अभी ओपन करके। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखिए, ये है मेरी मेहनत और आप सबकी मेहनत, आप सब लोग की लगन जो आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, इस मकाम तक मुझे पहुँचाया। तो मैं दिल से बहुत बहुत आप लोग का शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग ना होते, मुझे सपोर्ट ना करते तो आज मैं इस मकाम तक ना होता, तो मकाम पे ना होता। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखें ये पीछे पिन, मतलब टांगने के लिए इधर उधर। इंशाल्लाह मैं अपनी स्टूडियो बनाऊंगा, सही रूम अपना सेटअप बनाऊंगा, तो उसमें इंशाल्लाह ये पीछे लगाऊंगा। अभी फिलहाल आप लोग देख सकते हैं ये सिल्वर ही है, मतलब पीछे से ये फॉर्म है सारा, अंदर से इसका वजन तकरीबन आधे किलो के करीब होगा। तो ये आप लोग की और मेरी मेहनत और आप लोग की लगन जो मैं इस मकाम तक आप पहुँचा हूँ। तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि मुझे सपोर्ट करें और इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप लोग की अगर दुआ हो, आप लोग मुझे इसी तरह इज्जत देते रहे, तो इंशाल्लाह एक दिन ऐसा आएगा कि इसी जगह इसी ऐसे ही हम लोग गोल्डन प्ले बटन की भी रिव्यू करेंगे, अनबॉक्सिंग करेंगे। तो दुआ में याद रखिएगा। और हाँ, अभी मेरी पेमेंट आने वाली है यूट्यूब से। तो अगर आप लोग चाहते हो कि मैं पेमेंट पर वीडियो बनाऊं तो कमेंट करके मुझे लाजमी बताइएगा, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह मोटिवेट करने के लिए मैं लाजमी जो है ना आप लोग के लिए पेमेंट जो मेरी पहली सैलरी जितनी भी आती है उससे रिलेटेड मैं वीडियो लाजमी बनाऊंगा। तो दुआओं में याद रखिएगा और यूँ ही सपोर्ट करिएगा। इन माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया, जितनी शुक्रिया मैं दिल से करूँ बहुत मेरे लिए कम है। मेरी खुशी बस अल्लाह जानता है, मैं जानता हूँ। तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।